नमस्कार दोस्तों, OnePlus ने लॉन्च कर दिया है OnePlus 7T और Oppo ने पिछले महीने लॉन्च किया था Oppo Reno 2। आज हम OnePlus 7T को कंपेयर करेंगे Reno 2 से और जानेंगे दोनों फोन में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स दिए गए हैं और कौन सा फोन आपके लिए बेहतर होगा। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। लेकिन हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, पहले बात करते हैं प्राइस की। OnePlus 7T के लोएस्ट वेरिएंट का प्राइस रखा गया है 37,999 रुपीस और Oppo Reno 2 का प्राइस है 36,990 रुपीस। यानी दोनों फोन के प्राइस में 1,000 रुपीस का डिफरेंस है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो दोनों फोन में दिया गया है 6.55 इंचेस का स्क्रीन और दोनों में ही सेम स्क्रीन रिजोल्यूशन मिलता है और वो है 1080x2400 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन। लेकिन OnePlus 7T में HDR 10 Plus डिस्प्ले मिल जाता है और इसके साथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी मिलता है। तो HDR 10 Plus डिस्प्ले और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ OnePlus 7T का डिस्प्ले ही आगे रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो OnePlus 7T में दिया गया है लेटेस्ट Android 10 और Reno 2 में मिलता है Android 9.0 यानी Android Pie। तो OnePlus 7T में आउट ऑफ द बॉक्स लेटेस्ट Android ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है। प्रोसेसर की अगर बात करें तो OnePlus 7T में दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर। ये एक लेटेस्ट प्रोसेसर है और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर का एनहांस वर्जन है। और Reno 2 में दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730Z प्रोसेसर। OnePlus 7T के प्रोसेसर का स्पीड है 2.96 गीगाहर्ट्ज और Reno 2 के प्रोसेसर का स्पीड है 2.2 गीगाहर्ट्ज। तो OnePlus 7T में लेटेस्ट और फास्टर प्रोसेसर मिल जाएगा। रैम की अगर बात करें तो दोनों फोन में ही 8GB का रैम दिया गया है। लेकिन इंटरनल स्टोरेज के मामले में OnePlus 7T में मिलता है 128GB का स्टोरेज और Reno 2 में मिलता है 256GB का स्टोरेज। तो 1000 रुपए कम प्राइस में Reno 2 में 100% ज्यादा इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। कैमरा की अगर बात करें तो OnePlus 7T में दिया गया है ट्रिपल कैमरा सेटअप और Reno 2 में मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप। OnePlus 2 में 48 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी लेंस, 12 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस और 16 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाता है। और वही Reno 2 में 48 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी लेंस, 13 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस, 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक मोनो लेंस दिया गया है। मैं यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप के लिए रियर कैमरा के मामले में Reno 2 को OnePlus 7T से आगे रखूंगा। लेकिन दोनों फोन के फोटो और वीडियो क्वालिटी के बारे में जानने के लिए आपको उनके फोटो और वीडियो सैंपल्स को देखना होगा। सेल्फी कैमरा की अगर बात करें तो दोनों फोन में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। लेकिन Reno 2 में फ्लिप कैमरा मैकेनिज्म दिया गया है, इससे आपको नॉचलेस डिस्प्ले मिलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नॉचलेस डिस्प्ले चाहिए या फिर नॉच वाला डिस्प्ले चाहिए। Oppo Reno 2 में 3.5 mm का जैक मिल जाता है और वही OnePlus 7T में 3.5 mm का जैक नहीं मिलता है। Oppo Reno 2 में एक्सपांडेबल मेमोरी या फिर SD कार्ड सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन OnePlus 7T में एक्सपांडेबल मेमोरी सपोर्ट नहीं मिलेगा। बैटरी की अगर बात करें तो OnePlus 7T में दिया गया है 3800 mAh की बैटरी और Reno 2 में मिलता है 4000 mAh की बैटरी। लेकिन OnePlus 7T में 30 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है और वही Reno 2 में सिर्फ 20 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ही मिलता है। तो इस कंपैरिजन के बाद यही कह सकते हैं कि लेटेस्ट एंड्रॉइड 10.0 बेहतर डिस्प्ले और फास्टर प्रोसेसर के लिए आप OnePlus 7T के साथ जा सकते हैं और क्वाड कैमरा सेटअप, ज्यादा इंटरनल स्टोरेज और एक्सपांडेबल मेमोरी सपोर्ट के लिए आप Reno 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका पसंद कौन सा होगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।